नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शासन के निर्देश के क्रम में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के हाल में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का शुभारंभ किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा NCC के कैडेटों द्वारा बैंड बाजे के साथ सड़क सुरक्षा का स्लोगन लेकर रैली निकाली गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सभी विद्यार्थियों में जागरूकता को देखकर लगता है कि सड़क सुरक्षा के संबंध में लोग काफी जागरूक हो गए हैं, इसको व्यवहार में लाते हुए कम कर सकते हैं, जिससे हम सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में जनपद के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं तथा NCC कैडेट्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं तथा छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों, दुर्घटनाओं के कारणों तथा उनके रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर आर्यन चौधरी द्वारा बताया गया कि हमारे लैक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। यदि सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। संभागीय परिवहन अधिकारी राधेश्याम द्वारा बताया गया कि 5E एजुकेशन रोड इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट इमरजेंसी केयर इन्वायरमेंटल केयर का पालन करें तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ साथ दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद हो जाएगी। RM रोडवेज द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा ये कार्यक्रम बार बार इसलिए कराया जाता है कि हमें रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना याद हो जाए, जिससे किसी प्रकार की गलती ना करें, दुर्घटनाओं से बच सके। अंत में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वारा सभी के शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के संबंध में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉक्टर आर्यन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सत्येंद्र कुमार सिंह यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अतुल कुमार यादव, क्षेत्र अधिकारी यातायात गौरव शर्मा तथा शिक्षा लोक निर्माण विभाग, परिवहन निगम तथा अन्य स्टेक होल्डर विभागों संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, उसके क्रम में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि जो भी सड़क दुर्घटना में जीवन क्षति, आर्थिक क्षति हो रही है, उसको न्यूनतम किया जाए। तो उसी के जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। इसमें सभी विभागों के सहयोग से, जिसमें राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, PWD तथा अन्य जो भी निर्माण एजेंसियां हैं, उनके सबके सहयोग से ये प्रयास किया जा रहा है, एक जागरूकता अभियान चलाया जाए पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद आजमगढ़ में, लोगों को जागरूक किया जाए कि वो सड़क पर चलने के जो भी नियम है, सीट बेल्ट का प्रयोग है, हेलमेट का प्रयोग है, लेन में सही से ड्राइविंग करने का, ओवर स्पीडिंग करने का, ओवर लोडिंग करने का, इन सबसे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इसी के क्रम में आज यहाँ हरिऔध कला केंद्र में हमारे राधा PG कॉलेज, GIC और तमाम अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत विस्तृत तौर पर जो है बातें बताई और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी क्रम में RTO साहबान ने, CO साहब ने और सब ने जो भी नियम कानून है या जो भी आकांक्षाएं हैं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। जैसा कि ठंड की समय है और रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं, जो साइनेजेस हैं वो लगाए जा रहे हैं, और मीडिया के, आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी यह संदेश प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि कोहरे को देखते हुए लोग कम गति से, गति सीमा में रहते हुए अपना वाहन चलाएं। सड़क सुरक्षा पखवाड़े में अलग अलग, जैसा कि ADM साहब ने बताया कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, PWD को, रोडवेज को और स्वास्थ्य विभाग को और NHI को, अलग अलग सब कार्यक्रम किए जाने हैं, तो डे वाइज कार्यक्रम निर्धारित है। किसी दिन कार्यशाला होनी है, हमको टेम्पो स्टैंड पर, बस स्टैंड पर, रोडवेज में किया जाना है ये जागरूकता का, किसी दिन आई कैंप होना है, हेल्थ चेकअप होना है, और ये पोस्टर बैनर गांव में जाकर वो करना है, स्कूलों में अवेयर करना है जाकर के, इस तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं।
ड्रंकन ड्राइविंग के चालान किए जाने हैं, ओवरलोड के चालान किए जाने हैं, रॉन्ग साइड के चालान किए जाने हैं, लेन ड्राइविंग के जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान किए जाने, ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है हमारे यहाँ डी का। निर्देश ये भी है निरस्त करने की कार्रवाई की जाए, पहले हम लोग निलंबित कर रहे थे, अब कैंसिलेशन की कार्रवाई उनका डाटा निकाल के करने की हो रही है। अभी यहाँ जो है अब निर्देश आया है, अब हम उसको निकलवा रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, अब आगे करेंगे, अभी हम लोग सस्पेंड कर रहे थे, अब कैंसिल करने की कार्रवाई करेंगे। भारत कृषि प्रधान प्रधान देश है, फसलों का मलबा सड़क पर बिखेर दिया जाता है, आप उस रास्ते से बच्चे हैं जा रहे हैं, ये दुष्कार्यों को। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।